हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे टर्म्स एंड डेफिनेशन पार्ट टू सो इस वीडियो में पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेल्ड नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन यूज्ड इन बट वेल्ड सो पहले देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्ड पहला है बट वेल्ड और दूसरा है फिलेट वेल्ड तो पहले देखते हैं वॉट इज बट वेल्ड सो बट वेल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए दो इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स को प्रिपेयर करेंगे आफ्टर प्रिपरेशन इन दोनों को असेंबल करेंगे असेंबल करके इन दोनों के बीच में कुछ गैप रखेंगे सो दैट गैप इज़ कॉल्ड रूट गैप सो उस रूट गैप और उस गैप को फिल करने के लिए हम वेल्डिंग या फिर ब्रेजिंग के टेक्निक को यूज़ करेंगे सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेल्ड दिस टाइप ऑफ वेल्ड इज़ कॉल्ड बट वेल्ड बट वेल्ड को जो है हम लोग यूजली पाइप्स और प्लेट्स पर यूज़ करते हैं नेक्स्ट देखते हैं वॉट इज फिलेट बेल्ट सो so, फिलेट बेल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ना तो हम इंडिविजुअली कॉम्पोनेंट्स को प्रिपेयर करते हैं ना ही उनके बीच में हम रूट गैप देते हैं यहाँ पे सिंपली दो कॉम्पोनेंट को प्लेस करेंगे जैसे कि यहाँ पे एक टी जॉइंट का एग्जाम्पल लिया है मैंने दोनों कॉम्पोनेंट को प्लेस किया आफ्टर प्लेसिंग हम लोग वेल्डिंग करेंगे वेल्डिंग यहाँ पर वन साइड से भी कर सकते हैं और अदर साइड से भी कर सकते हैं सो आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ वेल्डिंग दिस टाइप ऑफ वेल्ट इज कॉल्ड फिलेट वेल्ट फिलेट वेल्ड जो है हम लोग यूजअली स्ट्रक्चरल वेल्डिंग या फिर सपोर्ट्स के लिए यूज करते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर बट वेल्ड इसमें पहले देखेंगे ओपन स्क्वेयर बट प्रिपरेशन सो इसका मतलब है कि दो इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स को इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि उनके बीच में जो इंटरनल एंगल रहेगा वो नाइन्टी नाइनटी डिग्री का रहेगा सो आफ्टर प्रिपरेशन हम इन दोनों के बीच में कुछ गैप देंगे दैट गैप इज कॉल्ड रूट गैप सो ये जो रूट गैप है बहुत ही मिनिमम होता है तो उसके वजह से क्या होगा हमारा गोल्टन मेटल जो है रूट तक पेनिट्रेट नहीं करेगा सो so, इसके वजह से हमारा लैक ऑफ पेनीट्रेशन आने के चांसेस होते हैं सो so, इसके लिए हम इस टाइप ऑफ जॉइंट को रिकमेंड नहीं करते हैं सो यूजुअली दिस टाइप ऑफ जॉइंट हम लोग यूज़ करते हैं थिन कंपोनेंट्स को वेल्ड करने के लिए और इसमें हम वेल्डिंग वन साइड से भी कर सकते हैं और दोनों साइड से वेल्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं So, ये है ओपन स्क्वेयर बट प्रिपरेशन के बारे में नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगल वी प्रिपरेशन सिंगल वी प्रिपरेशन में भी हम दोनों कंपोनेंट्स को या फिर दोनों मेटल पीस को इंडिविजुअली प्रिपेयर करेंगे एक मेटल पीस का एग्जाम्पल लेके बताता हूं मैं यहाँ पे एक मेटल पीस को हम पहले हम स्ट्रेट रखेंगे उसके बाद से हम उसको बीवेल एंगल देना स्टार्ट करेंगे सो दिस स्ट्रेट फेस इज कॉल्ड रूट फेस ये जो रूट फेस है वन से टू एम mm के बीच में होता है और आफ्टर स्ट्रेट यहाँ पे हम मेटल पीस को कुछ एंगल में कट करेंगे सो दैट एंगल इज कॉल्ड बीवेल एंगल सो ये जो बीवेल एंगल है ये थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री का होता है यूजुअली सो आफ्टर गिविंग बीवेल एंगल एंड रूट फेस हम इन दोनों कॉम्पोनेंट्स को असेंबल करेंगे और इन दोनों के बीच में कुछ गैप देंगे सो दैट गैप इज कॉल्ड रूट गैप सो ये जो रूट गैप है वन से फोर एम mm के बीच में होता है सो आफ्टर असेंबली इन दोनों के बीच में एंगल भी बनेगा सो दैट एंगल इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल ये जो इंक्लूडेड एंगल है हमेशा बीवेल एंगल के डबल होना चाहिए यानी कि अगर मैं थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री का बीवेल एंगल ले रहा हूँ तो इंक्लूडेड एंगल जो है हमारा सेवेंटी फाइव डिग्री होना चाहिए सो दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज कॉल्ड सिंगल वी प्रिपरेशन सिंगल वी प्रिपरेशन इज द मोस्ट कॉमन प्रिपरेशन यूज इन वेल्डिंग सो दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन कैन बी प्रोड्यूस बाई यूजिंग फ्लेम और प्लाज्मा कटिंग या फिर हम सिंपली ग्राइंडिंग से भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं सो so, ये है सिंगल वी प्रिपरेशन के बारे में नेक्स्ट हम देखेंगे डबल वी प्रिपरेशन डबल वी प्रिपरेशन में हम मेटल पीस को दोनों साइड से कट करते हैं यानी कि दोनों साइड हम लोग इसको बीबल एंगल देंगे सो दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज कॉल्ड डबल वी प्रिपरेशन और हम इस टाइप ऑफ प्रिपरेशन को यूज़ करते हैं थिक प्लेट को वेल्डिंग करने के लिए और इससे रेसिडुअल स्ट्रेसेस को भी बैलेंस कर सकते हैं यानी कि हम दोनों साइड से वेल्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं तो इससे क्या होगा हमारा एंगुलर डिस्टोशन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगल यू प्रिपरेशन सिंगल यू प्रिपरेशन को हम सिर्फ मशीनिंग से प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको हम यूज करते हैं थिक प्लेट्स के ऊपर तो सिंगल यू को प्रिपेयर करने के लिए हम कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली प्रिपेयर करते हैं इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है पहले तो इसमें कुछ स्ट्रेट फेस रखेंगे दैट इज कॉल्ड रूट फेस रूट फेस जो है वन से टू एम एम का होता है सो आफ्टर गिविंग रूट फेस यहाँ पे एक और स्ट्रेट पोर्शन रहेगा दैट इज कॉल्ड लैंड सो लैंड एक स्ट्रेट पोर्शन है बिटवीन द रूट रेडियस एंड द रूट फेस सो आफ्टर गिविंग लैंड यहाँ पे हम एक कर्ड पोर्शन को कट करेंगे कर्ड रीजन को कट करेंगे दैट कर्ड रीजन इज कॉल्ड रूट रेडियस सो ये जो रूट रेडियस है ये सिक्स एम एम का होता है फॉर सिंगल यू एंड फॉर डबल यू सो आफ्टर कटिंग कर्ड पोर्शन हम इसको बीवेल एंगल में कट करेंगे सो दैट बीवल एंगल इज यूजली एट डिग्री टू ट्वेल्व डिग्री सो इंडिविजअली कॉम्पोनेंट को इस तरीके से प्रिपेयर करके इन दोनों को असेंबल करेंगे और इन दोनों के बीच में कुछ गैप रहेगा तो दैट गैप इज कॉल्ड रूट गैप रूट गैप जो है वन से फोर एम एम के बीच में होगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बेल्डिंग और इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल भी बनेगा सो दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज़ कॉल्ड सिंगल यू प्रिपरेशन इसको हम यूज़ करते हैं थिक प्लेट के ऊपर नेक्स्ट इज डबल यू प्रिपरेशन सो डबल यू प्रिपरेशन को भी प्रोड्यूस करने के लिए हम मशीनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं यहाँ पे इंडिविजुअली कंपोनेंट को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड से यू जॉइंट मिले लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है वो है लैंड का लैंड तो यहाँ पे मिनिमम रहता है या फिर जीरो रहता है सो दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज कॉल्ड डबल यू प्रिपरेशन डबल यू प्रिपरेशन जो है हम लोग यूजली अल्यूमिनियम अलॉयस को वेल्ड करने के लिए यूज करते हैं बाई यूजिंग मिग वेल्डिंग प्रोसेस सो ये है डबल यू ज्वाइंट के बारे में नेक्स्ट है सिंगल जे प्रिपरेशन एंड डबल जे प्रिपरेशन सिंगल जे प्रिपरेशन में हम एक मेटल पीस को स्क्वेर प्रिपरेशन करेंगे और दूसरे मेटल पीस को यू प्रिपरेशन करेंगे सो आफ्टर प्रिपरेशन इन दोनों को जब हम असेंबल करेंगे जो है, के लिए भी यूज करते हैं और फिलेट के लिए भी यूज़ करते हैं। सो so, नेक्स्ट देखते हैं डबल जे प्रिपरेशन डबल जे प्रिपरेशन में हम एक मेटल पीस को स्क्वायर प्रिपरेशन करेंगे और दूसरे मेटल पीस को डबल यू प्रिपरेशन करेंगे सो आफ्टर प्रिपरेशन हम इन दोनों को असेंबल करेंगे सो दैट टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज कॉल्ड डबल जे प्रिपरेशन सो डबल जे प्रिपरेशन हम लोग बट वेल्ड के लिए एज वेल एज वेल्ड के लिए भी हम यूज करते हैं सो so आज के वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो में हमने कम्प्लीट किया टाइप्स ऑफ वेल्ड एंड टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर बट वेल्ड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और आप अगर नए हैं इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच